बात है। अब देखो ना, यही चिंता है भाई। इतनी चीज अच्छी बनाई है, मतलब कि एक और बनाई है, नेत्र गर्गी जी भी उधर भाई गए हुए थे, और ये कोई भाई आम बात नहीं आम है। बात नहीं, कहाँ आप भाई, पंद्रह आम बात मिनट भाई। चार्जर करें, यकीन करें 15 मिनट में तो मोबाइल नहीं चार्जर होता है। तो और ये ये बड़ी गाड़ी है चार्जर हो यार, जाती है, यही और चीज तीन है, सौ तीन किलोमीटर सौ भाई कर लेती किलोमीटर है सफर भी। हाँ लेकिन हमें भी भाई भाई आसर शामी ने भी कुछ बातें आपको बता दी थी कि अभी भी उस चीज में मतलब कि ये हाँ उलझे हुए हमारी टांग ऊपर हमारे है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, जिसने एक बड़ी जबरदस्त मर्सिडीज बेंज जो कि टोटली इंडियन मेड है वो तैयार कर ली है। इससे पहले जो मर्सिडीज बेंज है ये जर्मनी में बनाई जा रही थी, और 1926 में इस ब्रांड को लॉन्च किया गया था दुनिया में। उसके बाद पहली मर्तबा ये मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी मर्सिडीज बेंज मोटर है। एक मर्तबा इसको चार्ज करने पर ये तकरीबन 857 किलोमीटर तक चल सकती है, जिसका मतलब ये है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ सकते हैं, लेकिन इसकी चार्जिंग जो है वो खत्म नहीं होगी। इसका चार्जिंग टाइम इतना ज्यादा है कि अगर आप इसको 15 मिनट के लिए कहीं भी चार्जिंग पर लगा दें तो उसके बाद ये 300 किलोमीटर तक अपना सफर तय कर सकती है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी एक्सपोर्ट्स पर होता है। हमारा हमसाया मुल्क भारत इंतहाई तेजी से तरक्की कर रहा है, वो चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे गाड़ियों की या ऑटो इंडस्ट्री हो, वो किसी भी चीज की प्रोडक्शन हो, मिनिमम इम्पोर्ट्स और मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हर चीज में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। ये जो मर्सिडीज बेंज है ये भारत में असेंबल नहीं की जाएगी, बल्कि ये प्योर इंडियन मेड प्रोडक्ट होगी, जिसको इंडिया समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। और इसकी जो इन्होंने कीमत रखी है वो 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज में है, जबकि हमारे यहाँ पर जो होंडा सिविक है इसकी कीमत ही तकरीबन 1.15 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अगर मैं छोटी गाड़ियों की बात करूं तो ऑल्टो जैसी गाड़ियां तकरीबन 45 लाख रुपए की आपको मिलती। अगर वो अपने लोगों को 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज में ये गाड़ी दे रहे हैं मर्सिडीज बेंज, और उनको कंफर्ट, स्मूथ, स्टेट ऑफ द आर्ट एक लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, वहाँ के इन्वेस्टर्स, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की खारजा पॉलिसी जिस तरीके से डील करती है, उसका ये मुंह बोलता हुआ सबूत है। इस मर्सिडीज बेंज को EQS का नाम दिया गया है, जबकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो पुणे महाराष्ट्र में की जा रही है। और इस मर्सिडीज बेंज के बारे में कहा जा रहा है ये दुनिया की जदीद तरीन गाड़ियों में से एक गाड़ी होगी। ये टोटली इलेक्ट्रिक कार है, और इसकी जो मोटर है वो तकरीबन 516 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकती है, और ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार को सिर्फ और सिर्फ 4.3 सेकंड तक अप्रोच कर सकती है। यानी अगर आप इसका एक्सीलेटर दबाएं तो ये सिर्फ 4 से 4.25 सेकंड में 100 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी, और यही वजह है कि इसको फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार इन द मार्केट के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अगर इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त डिजिटल डैशबोर्ड है, और तकरीबन 56 इंच की इसकी एक हाइपर स्क्रीन होगी जो कि इस कार की जो विड्थ है उसको भी 4 चांद लगाएगी। इंडियन मर्सिडीज बेंज EQS जो है इसकी प्री बुकिंग इंडिया में जारी है, इसको तकरीबन आने वाले 1 या 2 माह में मार्केट में मुकम्मल तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि आपको रोड्स पर चलती फिरती दौड़ती भी नजर आएंगी। अगर इसी तरीके से दोनों ममालिक की प्रायोरिटीज को चेक किया जाए तो इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं कर रहा। आप नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कुछ ट्वीट्स उठाकर देख लें जिसमें वो बात कर रहे होते हैं इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो किस तरीके से खिते की तमाम तर मालूमात को इकट्ठा करके उसको स्पेस डिजिटलाइज करेगा, जबकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो यही ट्वीट्स कर रहे होते हैं जी आटे की 10,000 बोरियां जो हैं वो जल्द अज जल्द गरीबों में बांट दी जाएंगी। इंडिया जो है स्पेस के साथ साथ एयरलाइंस पर भी काबिज होने जा रहा है। 400 से ज्यादा जहाज जो है वो इंडियन एयरलाइन मंगवाता है, और जब वो आएगा तो वो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। सबसे बड़ा ऑर्डर है उनकी। ऑटो इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में एक नाम बनाने जा रही है, जबकि हम लोग जो हैं सिर्फ फेसबुक पर, यूट्यूब पर बैठकर बातें कर रहे हैं किसने क्या कर दिया, किस सियासतदान को कौन सी कुर्सी चाहिए। हमारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं पॉलिटिशियंस के, जिसकी बुनियाद पर वो सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं, और उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है। यहाँ पर सिर्फ एक सड़क बन जाती है तो उस सड़क की जो मियाद है वो तकरीबन 5 साल भी पूरी नहीं होती, वो 2.5 से 3 साल में टूट जाती है। अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक समेत हमारे नेबर को देखें तो उनकी पॉलिसीज जो हैं वो 20-20 साल पर मुहित हैं। उनका फोकस और मरकज सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, उनकी पॉलिसीज जो होती हैं वो आवाम को फायदा देना होती हैं। जब कौमों की प्रायोरिटीज इस तरीके से होती हैं तो फिर वो तरक्की करती हैं, लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटीज यही हो कि हमारी टांग उनके जवान की टांग से ऊपर जाएगी तो फिर ही हम तरक्की करेंगे, तो फिर हमारी टांगें तो ऊपर होंगी लेकिन हो सकता है फिर हम तरक्की ना कर सकें।
कहा यह जा रहा है कि इंडियन मैशियत एशिया की सबसे मजबूत तरीन और दुनिया की उभरती हुई एक इकोनॉमी होगी। अब वो दौर नहीं है जब आपकी जंगे जो है टैंक्स या एटम बॉम्ब्स या असलहे से लड़ी जाती हैं, अब जंगे जो है मैशियत की जंगे हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, दूसरा मुल्क आपसे फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसकी मैशियत इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो मुल्क ऑटोमेटिकली उस जंग के काबिल ही नहीं होगा। मैशियत की जंग है। यूरोप जो है उसने आपस में लड़ के मरमर कर देख लिया और इस नतीजे पर वो पहुंच चुके हैं कि उनके अगर 32 से 34 शेंजन ममालिक हैं तो उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई बॉर्डर नहीं है और वो एक तरक्की की राह पर गामजन हुए, पीस दुनिया में आया और उसके बाद वो कोमे कोमे बने। हम किस दहाने पर जा रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस की खारजा पॉलिसीज किस तरीके से बनाई जा रही हैं और किस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, कि कहा जा रहा है कि डॉलर 500 रुपए तक भी जाएगा और यहाँ पे जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर और अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, लेकिन अगर आप इंडियन रुपीज को डॉलर्स के मुकाबले में देखें तो वो काफी मुस्तहकम है। ये मर्सिडीज बेंज जो प्योर इंडियन मेड है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की इंडस्ट्रीज आए और पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन करे जिसमें इसकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हों, जरे मुबादला के जखायर हमारे पास आए और हमारी इंपोर्ट्स कम से कम हो, डॉलर्स की जो एक बेयकीनी की कैफियत है इसको कायम व दायम रखें तो शायद पाकिस्तान तरक्की करे। वो दिन दूर नहीं पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन इसको एक अच्छे होनहार और एक मुखलिस लीडर की जरूरत है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए। इससे पहले हमने नवाज शरीफ को, फिर मुखलिस हम हर साल 3 साल बाद 4 साल बाद किसी न किसी को समझने लगते हैं, लेकिन मुखलिस वो जो मुखलिस होता है ना वही आके बेड़ा गर्क करता है। तो मुखलिस लीडर की नहीं, मुखलिस काम करने की जरूरत है, मुखलिस होकर काम करने की हमें काबिल बंदे की जरूरत है जो काम करता है और काम पे उसका ये नहीं है कि ट्वीट्स में आके ये आटा या फिर गालियाँ निकालना या फिर ये करना, उस बंदे का ये काम नहीं होता। हमारी गवर्नमेंट में जो है ना ऐसा ही होता है, हाँ जितनी भी ट्वीट्स उठा के पूरे अपोजिशन या गवर्नमेंट की देख लेना, वहाँ कोई भी डेवलपमेंट की बात आज तक नहीं हुई। वहाँ क्या होता है कि इमरान खान ने ये किया, उसने किया, ये किया, उसके जलसे में 100 बंदा था, उसके जलसे में 1,00,000 बंदा था, ये सारी तनावबाजी चलती है। और ये कभी नहीं हुआ कि हमने जो है ना हमारा कोई स्पेस एजेंसी है या फिर हमने किसी के ऊपर रोड के ऊपर काम करना है, वो करना है, क्या प्लान है आगे 20 साल का। हमारा प्लान जो है ना सड़कों का, जिस तरह यासर भाई ने बताया, वो भी 3 साल का ही होता है। जब कोई नई गवर्नमेंट आती है फिर उसको दोबारा से बनानी पड़ती है, जो प्रोजेक्ट होते हैं अगला छोड़ जाता है, वो अगला कहता है कि मैं क्यों करूँ। तो ये जब सोच हो ना तो फिर मेरे ख्याल से लीडर भी तो हम में से जा रहे हैं ना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले तो जो मर्सिडीज बेंज की EQS इंडिया में लॉन्च की है और वो भी मेड इन इंडिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि फॉरेन ब्रांड्स भी इंडिया में 100% बना रहे हैं और यहाँ पे बेचेंगे भी और बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारे मेड इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसमें उसको भी फ़ायदा होगा। और जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की, वहाँ पर तो ये कभी आने वाली नहीं है क्योंकि वहाँ पे इस तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं, उन लोगों का दिमाग ही नहीं इस तरफ चलता, कोई विजन भी नहीं है, तो वो तो सपने देखते रहेंगे और ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। लेकिन अगर उनको सही में वहाँ पे इस तरीके का प्रोग्रेस करना है तो सबसे पहले तो उनको अपने एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।